हेलो कैसेट गेमर्स, आज की इस वीडियो में सबका स्वागत है। मेरा नाम है सैलोट और आप देख रहे हैं सैलोट जी जी फॉर गेमिंग। आज की इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लॉक टावर पोर्शन के बारे में। ये एक नया मैजिकल आइटम है और ये शायद तक आज ही आ सकता है। मैंने अपने पिछले दो वीडियो में मैजिक हैमर और साथ ही में टोर्नेडो नया ट्रैप के बारे में बताया था। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लॉक टावर बूस्ट के बारे में। क्लॉक टावर बूस्ट जो है वो एक नया टाइप का पोर्शन है जो कि आज रिलीज होगा। एक नया मैजिक आइटम है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आपको अपना क्लॉक टावर जो कि बिल्डर बेस में है उसको बूस्ट करना है तो वो शायद तक बूस्ट 8 या 9 मिनट तक हो सकता है। लेकिन ये जो मैजिकल आइटम जो कि काम देने वाला है वो शायद तक आपको 30 मिनट तक बूस्ट मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू द लेवल। तो लेवल 1 का जो होगा वो 30 मिनट तक होने वाला है और उससे भी ऊपर 30 के ऊपर हो सकता है। तो जैसे कि देख सकते हो, मैं अपना बिल्डर बेस को निकाल के दिखा रहा हूँ और आपको बता दूंगा कि वो कितना मिनट बूस्ट कर सकता है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं मेरा जो क्लॉक टावर है वो है लेवल 7 का और ये सिर्फ 9 मिनट के लिए बूस्ट होता है। यानी मेरा जो अगर मैं इसके ऊपर क्लॉक टावर का जो पोर्शन मैं इसके ऊपर यूज करूँगा तो शायद तक ये 39 मिनट तक हो सकता है। लेवल के हिसाब से वो मिनट्स जो है बढ़ता जाएगा, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम जो मिनट्स हैं वो 30 मिनट्स ही रहेंगे। 30 मिनट्स तक आपको अगर लूट करना है, अगर आप बहुत दिनों के बाद क्लैश ऑफ क्लैंस को ओपन कर रहे हो और साथ ही में आपका बिल्डर बेस का बहुत सारा लूट पड़ा हुआ है तो आप 30 मिनट से बहुत कुछ कर सकते हैं। या फिर क्लैन गेम्स के आने के टाइम में आप बहुत सारा जो क्लैन का जो नहीं रहेगा जो इवेंट्स लोग कंप्लीट नहीं करना चाहिए उसमें आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि लिखा रहेगा नाइट विच को 10 बार इस्तेमाल करो और आपके पास बूस्ट नहीं होगा तो आप जल्दी जल्दी उसको कर सकते हैं। तो ये थी मैं आज की इस वीडियो। सब्सक्राइब करो दोस्तों सैलोट जी को और पाइए क्लैश ऑफ क्लैंक के बहुत सारे और दूसरे गेम्स के भी बहुत सारे कंटेंट। तो ये थी मैं आज की इस वीडियो, नया मैजिकल आइटम जो कि था क्लॉक टावर बूस्ट। तो बाय बाय, बाबू क्यूल, टेक केयर, पीस। आज के इसलिए इतना ही दोस्तों।